हमारे यहाँ कूड़े से खाद लगभग ए टू जेड प्लांट के अंदर पिछले 5-6 साल से बनाई जा रही है। उस खाद को एक तरह से जैविक खाद का काम करती है। पहले यूरिया जो हम किसान भाई यूज करते थे गांव के अंदर, वो पूरी जमीन जो है बंजर होती जा रही है। तो आने वाले समय में हमें जैविक खाद, सिटी कंपोस्ट इत्यादि को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो ये खाद हमारी बहुत अच्छी है और जमीन की प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है। और किसान भाइयों के लिए ये लोकल प्लांट है हमारे यहाँ पे, 125 रुपये का बैग, हमारा 50 kg का बैग यहाँ पे उनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह हमारे यहाँ खाद मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और ऑल यूपी के अंदर सप्लाई हो रही है। कितने साल से प्रोजेक्ट सर ये यहाँ पे चल रहा है? ये प्रोजेक्ट हमारा लगभग 8 साल के आसपास से अलीगढ़ के अंदर चल रहा है। अभी 15 जुलाई से पॉलीथीन बैन का अभियान छेड़ा जाएगा, तो कितना फायदा होगा आपको यहाँ पे या आपको इसका नुकसान होगा? जो 15 तारीख से पॉलीथीन बैन के ऊपर जो बात चल रही है बंद करने के लिए, वो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरी आबादी के लिए फायदेमंद रहेगी, जिससे गली नालियाँ चौक हो जाती हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। और हमारे को पर्टिकुलर अगर कंपनी की तरफ देखा जाए तो हमारी जो फर्स्ट मशीन सेग्रीगेटेड मशीन है उसके अंदर भी ये बेनिफिट होगा कि हमारी मैन पावर कम हो जाएगी, लागत कम हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हमारा मेंटेनेंस वर्क उसी के ऊपर होता है, हम डायरेक्ट उससे खाद में तब्दील हो जाएगा हमारा जो गार्बेज है। गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करने की कवायद चली गई थी, क्या उसको सफल रहा है, कुछ फायदा मिला है उसका या फिर अभी तक नहीं मिला? जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करने की जो बात चल रही थी, अभी उसमें पूरी तरह हमें सफलता नहीं मिली है, निगम को या हमारी कंपनी को। उसमें लोगों को सबसे पहले पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसमें 100% अचीवमेंट निकाल पाएंगे। कूड़े का सदुपयोग लेकिन यहाँ पे हो रहा है? हाँ, कूड़े का हमारे अलीगढ़ शहर के अंदर अच्छा सदुपयोग हो रहा है। इसमें ब्रिक्स का निर्माण, कंपोस्ट का निर्माण और एक शहर साफ हो रहा है, इससे सभी पूरी सिटी को फायदा है हमारे।